So guys, एक चीज और भैया का भी मुझे बता रहे थे कि आपके जो पपीज हैं वो आर्मी तक में भी सिलेक्शन में जाते हैं फोर्सेस में। मेरे पास भाई स्टॉक ही नहीं होता और मेरे 2-3 साल से पपी, 3 साल से भी ज्यादा टाइम हो गया आर्मी को पपी देते। वाओ, डिफेंस फोर्सेस को अगर आप पपी देते हो तो गाइज यू हैव टू मेंटेन अ क्वालिटी, यू हैव टू मेंटेन एक प्रॉपर एक डेकोरम मेंटेन करके रखना पड़ता है, तभी आपके पपीज जो है वो सिलेक्ट होते हैं और वो आगे डिफेंस फोर्सेस के अंदर जो है सर्व करते हैं। और इसके जो पपी आते हैं ना बेस्ट, पता क्या बात है इसकी, ये गोल्डन फीमेल पे भी चॉकलेट व्हाइट ब्लैक सभी कलर निकालता है, तो वो ब्लड लाइन ऐसी है, देखना उधर से खेल रहा है उनके साथ। और एक और बात बता दूं भाई, मैं इंडिया में भाई राजा लाइन सबसे ऊपर मानी गई है मस्कुलर डॉग में, इंग्लिश लैब्राडोर में, हैवी साइज लैब्राडोर, और छोटे राजा के बाद भाई ये इकलौता डॉग है जो गोल्डबर्ग है जो इतना हैवी है भाई। ठीक है, तो आज के टाइम में राजा लाइन जिंदा है भाई, मत भूलिए, तो मेरे पास राजा लाइन आज भी है भाई, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सही, बहुत सही, बहुत प्यारा डॉग है। हाँ जी गाइस, कैसे हैं आप सब? तो आज जो है मैं आपको लेकर आया हूँ यमुनानगर के पास एक बहुत प्यारे से गांव में, जिसके अंदर मैं आपको मिलवाने वाला हूँ हमारे लक्की औजला पाजी से, जिनको बहुत सारे साल हो चुके हैं लैब्राडोर को रखते हुए और ब्रीड करते हुए, स्पेशली इंग्लिश लैब्राडोर्स। तो इंग्लिश लैब्राडोर्स में सबसे मेन फ़र्क पता क्या होता है गाइस, इंग्लिश लैब्राडोर जो होते हैं वो बहुत ह्यूज होते हैं। कैसे होते हैं आगे आने वाली वीडियो में आप देख ही लेंगे, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए इस व्लॉग को शुरू करते हैं। सभी को राम राम, मैं लक्की औजला, गांव तिहानो, जिला यमुनानगर से। भैया मेरे पास सिर्फ इंग्लिश लैब्राडोर है और मैं प्रोफेशनल काम करता हूँ इंग्लिश लैब्राडोर में, मेरे को 5 से 6 साल हो गए भाई ब्रीड करते। सिंपल पहले तो मैंने एक फ़ीमेल रखी थी और उसकी केयर की, उसको देखा कि कैसे वो खाती पीती है, कैसे रहती है, तो उसको पूरा सीखने के बाद फिर मैंने प्रोफेशनल काम शुरू किया था। यो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, क्या चाल। सो आज का जो व्लॉग है ना बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज मैं आया हूँ बहुत टाइम के बाद हमारे पाजी से मिलने, और आज हम स्पेशली क्या दिखाने हैं, लास्ट टाइम हमने आपको दिखाए थे 3 टाइप ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ लैब्राडोर पपीज दिखाए थे, हो सकता है आज सेम कॉम्बिनेशन हम आपको दिखाए, बट आज स्पेसिफिकली हम आपको दिखाने वाले हैं इंग्लिश लैब्राडोर के स्टड। तो मेल डॉग्स ना बहुत कम लोग अपने फीमेल और मेल्स बहुत कम लोग ओपनली बड़े डॉग्स दिखाते हैं, लोग पपीज पे ज़्यादा फोकस करते हैं, बट अगर आपके बड़े डॉग की कंडीशन अच्छी होगी तभी तो आगे हेल्दी पपीज या और अच्छी लाइन आप प्रोड्यूस कर पाओगे। तो आ जाइए, आपको हमारे लक्की पाजी से मिलवाते हैं। देखो आज हम आए हैं इनके फार्म पे, कैसे हो लक्की पाजी? बहुत बढ़िया पुलकित भाई, ठीक हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भाई के आज हम फार्म पे आए हैं, हमने लास्ट टाइम प्लान बनाया था कि घर तो हम दिखाएंगे डॉग, इस बार हम दिखाएंगे फार्म पे। ठीक है जी। सो भाई आज कौन सा डॉग दिखा रहे हैं हमारे को, प्लीज हमारे को बताओ यार। भैया ये मेरे स्टड है दो यहाँ पर, इसका नाम है गोल्डबर्ग। अच्छा गोल्डबर्ग, लास्ट टाइम दिखाया था हमने। हाँ जी हाँ जी, ये तूफान का सन है भाई, राजा लाइन से है। हाँ जी, और साथ में इसके भाई इसी का रियल ब्रदर है हालक। वाह, अच्छा सेम पेरेंट्स के। हाँ हाँ, सेम लीटर के दो बच्चे मैंने स्टड रोके। क्या बात है यार, ये बड़ा अच्छा स्मार्ट मूव है। तो अभी क्या 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 है इनके दोनों की, मेरे को बताओगे? ये 2 साल प्लस के हो गए भाई। अच्छा, और बॉडी वेट इनकी बहुत हैवी है, प्रॉपर इंग्लिश लैब्राडोर में ये चीज होती है भाई। अच्छा, अगर स्टैंडर्ड में जाना है तो वो है भाई हालक। ठीक है, उसका प्रॉपर बॉडी स्ट्रक्चर वो ही आज इंग्लिश लैब्राडोर का है। अगर पार्टी को चाहिए कि मेरे को मस्कुलर डॉग चाहिए बड़े हेड वाला, तो इसको दिखाओ भाई, इससे ऊपर बड़ा हेड लैब्राडोर में होता नहीं है। लिप्स, हेड, बोन्स होता तो है पर फिर वो लैब्राडोर नहीं रहता। हाँ, बस ये लास्ट है भाई इंग्लिश लैब्राडोर में। क्या बात है। तो यार एक चीज, सबसे मेन चीज मेरे को पूछनी है जी, जैसे जो पहले लोग लैब्राडोर को लिया करते थे तब वो लैब्राडोर रिट्रीवर है, बेसिकली रिट्रीवर का मतलब ये हो गया जो रिट्रीविंग करते थे, ये क्या करते थे, आपके साथ जाते थे जंगलों के अंदर, ये ब्रीड जाती थी, और अगर पानी के अंदर, बिकॉज बहुत अच्छे स्विमर होते हैं, अगर पानी में आपका कोई शिकार है, आपने मछली पकड़नी, तो ये आपके लिए मछली पकड़ के लाते थे, बट अब चीज चेंज होगी, बीच में सबसे ज्यादा सुस्त माने जाने वाली ब्रीड मानी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है इंग्लिश लैब्राडोर में। पता क्या भाई, आप इसको जर्मन शेफर्ड से भी ऊपर रख सकते हो गार्ड पर्पज के लिए। ठीक है, अगर आप पहले भी मेरे चैनल पे आए देखना कि कितना गार्ड करते हैं ये डॉग। ठीक है, बिल्कुल। तो बेचीजों को आप इंग्लिश लैब्राडोर रख सकते हो। ये देखना, आप इसे गार्ड की बात कर रहे थे, देखो गाय घुसी है पीछे, अभी वहाँ पे गाय है, और देखो
इसने अभी से गार्ड करना शुरू कर दिया है ना। तो ये बिल्कुल ओके ब्रीड है, एक तो ठीक है आप फैमिली के लिए बिल्कुल रख सकते हैं, गार्ड पर्पज के लिए रख सकते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट बताता हूँ मैं आपको, इंडिया में अगर कोई ब्रीड सबसे ज्यादा रखी जाती है तो वो लैब्राडोर और जर्मन शेफर्ड ही है, ठीक है। तो इनका कोई फैमिली वालों को कोई दिक्कत नहीं होती भाई, ठीक है। ये जितने मर्जी हैवी हो जाए कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। अच्छा ये एक चीज और बताओ मेरे को, सबसे पहले मेरे को एक चीज मैंने और बताओ, इनको ऐसी क्या डाइट दी जाए जिससे ये ज्यादा हैवी ना हो, क्योंकि आपके डॉग्स जो है ना वो उतने हैवी नहीं है जितने लोग घरों पे बहुत हैवी डॉग्स रखते हैं। भाई हैवी पता क्या चक्कर है, अगर हैवी रखेंगे, अब मेरे को रखना है कि प्रॉपर डॉग को, कल उसको अटैक हो जाएगा गर्मी में, ठीक है ना, तो उसको फालतू चर्बी रखनी क्यों, उसको एक मतलब परफेक्ट बॉडी में रखो जिससे वो बिल्कुल ओके रहे। देखना देखना लैब्राडोर अपनी पूरी वो करते हुए काम पूरा करते हुए गाय को भगा रहे हो, अरे 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 बहुत जोर होता है ना इस ब्रीड में भी। तो ज्यादा मोटे डॉग करके कोई फायदा नहीं है भाई, मेन मकसद ये होता है कि मस्कुलर डॉग को रखो, अभी इनमें बिल्कुल भी फैट नहीं है भाई, ठीक है। और इनको जैसे मर्जी रखो, इनकी टांगों में कोई दिक्कत नहीं आएगी, चलेंगे फिरेंगे घूमेंगे और लॉन्ग लाइफ होगी भाई। पॉइंट पॉइंट पॉइंट, वाओ। तो एक बार इनसे आ जाओ, आपको पास से मिलवा देते हैं। हेलो, ओ कितना खुश है ये लैब्राडोर, सारे के सारे बहुत खुश होते हैं यार। हाय हेलो, ओह ये तो हमला कर दिया भाई तूने। तो ये देखना, एक तो ना देखना ओवर एक्साइटमेंट, सारी बात देखो, सारी बात ओवर एक्साइटमेंट में आ जाती है। हाँ, तो इनका ना सबसे मेन चीज ना गाइस, एक चीज बड़े अच्छी लगती है मेरे को लक्की भैया के लैब्राडोर्स की, इनके ना कोट बड़े अच्छे हैं। कोट के लिए आपको स्पेशल अलग करते हैं या सिर्फ डाइट के बलबूते पे? नहीं बस यही है भाई, सिंपल, हम तो सिंपल खाना ही देते हैं, ब्लड लाइन मैटर करती है, हमने कभी कोट नहीं देखा, कभी कुछ नहीं, सब अपने आप से ही परफेक्ट है भाई। तो ये बात कहना है कि जो इसके जेनेटिक्स है ना वो सबसे मेन चीज है, अगर जेनेटिकली ब्लड अच्छा है, डॉग अच्छा है, तो वो पूरा ब्लड सुधर जाता है, बेसिकली पूरी लाइन एक ठीक हो जाती है, राइट। और एक और बात बता दूं भाई मैं, इंडिया में भाई राजा लाइन सबसे ऊपर मानी गई है मस्कुलर डॉग में, इंग्लिश लैब्राडोर में, हैवी साइज लैब्राडोर, और छोटे राजा के बाद भाई ये इकलौता डॉग है जो गोल्डबर्ग है, जो इतना हैवी है भाई, ठीक है। तो आज के टाइम में राजा लाइन जिंदा है भाई, मत भूलिए, तो मेरे पास राजा लाइन आज भी है भाई, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सही, बहुत सही, बहुत प्यारा डॉग है। सो गाइज अभी बारी है, अभी देखो हमने आपको एक थोड़ा व्हाइटिश कलर में डॉग दिखाया, एक गोल्डन कलर का दिखाया, तो अभी तीसरी बारी है ब्लैक कलर का डॉग दिखाने की। अरे 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 बस भाई बस 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 बस, बड़ी एक्साइटमेंट है भैया, बड़ी एक्साइटमेंट है। क्या नाम है इस डॉग का? शैडो। ये शैडो है। सो यार ये कितनी एज है इस डॉग की बाजी? ये भाई आस पास 3 साल के हो गया अभी। यार आप ना मेरे को एक चीज बताओ, जैसे मैंने बहुत सारे लोगों के लैब्राडोर देखो, ये ऑब्वियसली गाइज ये वाले लैब्राडोर जो भैया के पास अभी हम दिखा रहे हैं, ये इनमें से कुछ शो क्वालिटी है, कुछ शो क्वालिटी नहीं है, कुछ सिर्फ पेट पर्पस के लिए है, राइट जी, जी, है ना। तो शोज का भी आप नहीं प्रिपेयर कर रहे हो, राइट? हाँ जी, हाँ जी। वाओ, तो ये इनकी जो साइज है ना गाइस, बहुत बहुत ऊंचे चौड़े डॉग है, ये बहुत लंबा डॉग है भाई, बहुत ऊंचा लंबा डॉग है, और हाइट लेंथ के हिसाब से इसकी टेल बहुत छोटी है भाई, और इसके जो बपी आते हैं ना बेस्ट, पता क्या बात है इसकी, ये गोल्डन फीमेल पे भी चॉकलेट व्हाइट ब्लैक सभी कलर निकालता है, तो वो ब्लड ब्लड लाइन ऐसी है, देखना उधर से खेल रहा है उनके साथ। वाओ, अच्छा तो ये डॉग ना गाइस, अगर ये जो डॉग है ये आप सोचोगे किस, ये मोर ओवर एक प्रोटेक्शन डॉग के पर्पस के हिसाब से इसका साइज है ना, कि अगर आपकी फैक्ट्री है, आपका एक बहुत बड़ा फार्म है, आपका घर है, आप इसको दोनों ब्रीड के हिसाब से, एक लैब्राडोर है तो ऑब्वियसली लविंग भी होगी, दूसरा थोड़ा सा एक ब्लड ऐसा होगा जो प्रोटेक्टिव होगा, जो अटेंशन आपकी यू नो, एक बात हो रहा है भाई जी, अगर आप ऐसा हैवी डॉग रखते हो तो वो अच्छा भी लगता है। इस ब्रीड का भाई पता क्या चक्कर है, अगर आप अपने फार्म पे रखते हो, ठीक है, एक तो लैब्राडोर है, मतलब कि आपकी फैमिली के लिए तो सिक्योर है, बिल्कुल है बिल्कुल। दूसरा भाई इंग्लिश लैब्राडोर हाइट होती है, लेंथ होती है, बड़ा हेड होता है, अच्छा लगता है, मतलब नॉर्मल जो लैब्राडोर हम शो क्वालिटी देखते हैं उसके साइज में बहुत डिफरेंस रहता है, कहने का मतलब ये है, मैं वही बता रहा हूँ कि बोथ ऑफ द डॉग्स हैव डिफरेंट पर्पस, वन इज फॉर अ डॉग शो क्वालिटी, ऑब्वियसली पेट क्वालिटी तो वो होगा ही अगर डॉग शो क्वालिटी है, बट वन इज स्पेसिफिकली उन डॉग्स, उन घरों के लिए जिनको डॉग्स ऊंचे लंबे थैड़े थोड़ा है ना, एक प्रोटेक्शन टाइप, और एक घर में
मतलब दो टाइम तीन दो तीन दो तीन काम लेने हैं, दो तीन टास्क करवाने हैं डॉग से, है ना। तो ये उनके लिए बहुत ज्यादा रहेगा बेस्ट। तो आज हमारे को पपीज कौन से दिखाने वाले हो आप? पपीज हुए हैं कोई हमारे पास? हाँ, पपी और रखे हैं। चलिए घर चलते हैं क्योंकि पपी मैं घर ही रखता हूँ। क्या बात है। तो आज भी एक, आज एक कलर दिखा रहे हो या आज भी तीन कलर दिखा रहे हो? नहीं भैया, तीन कलर ही दिखाऊंगा। अरे ये तो पक्की हो गई कि तीन कलर दिखाने पक्के हैं। चलो भाई अभी चलते हैं फिर घर की तरफ और वहाँ पे और डॉग दिखाते हैं। ओके गाइस, अभी बारी है ब्लैक लैब्राडोर एक और दिखाने की। इसका नाम क्या है? इसका नाम भाई रोक है। और ये किसका सन है? ये है तो टर्बो का सन है भाई। अच्छा, और इसकी हाइट लेंथ बहुत अल्टीमेट डॉग है भाई। कितनी एज है इसकी? अभी 13-14 मंथ का बच्चा है भाई। बड़ा प्यारा डॉग है यार, देखना। ये उन दोनों से शांत है, वो दोनों फिर भी थोड़े शरारती लग रहे थे, ये थोड़ा शांत है। हेलो। इस कलर में भाई अगर मैं बात करूँ ना, ब्लैक कलर में ऊंचे लंबे डॉग नहीं आते। हाँ। जैसे चॉकलेट में नहीं आते, लेकिन ये एग्जांपल आपके सामने, अगर बंदा मेहनत करे और प्रोड्यूस करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। ब्लड लाइन बहुत अच्छी है भाई। हाँ। इसकी। और ये अभी आपने स्टडीज को शुरू किया आपने भी? हाँ जी, कर रखा है। इसके बच्चे हो रखे है भाई। अरे वाह, अपने आप ही हो गया है तो शुरू। बहुत सही, क्यूट भाई, बहुत प्यारा भाई, बहुत प्यारा। चलो अभी इसके बच्चे, इसी के बच्चे हैं जो घर पे है। वाह जी वाह। तो भाई चलते हैं, अभी इसके बच्चे भी आपको दिखाते हैं। तो लो जी, अभी हम आए हैं लक्की भैया के घर। अरे 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 अरे, ये कौन सा डॉग है भाई? ये बच्चों की मदर है भैया। अच्छा, जो पपीज अभी देखने वाले उनकी मदर है। अरे अरे अरे, कितनी खुश है। हेलो हेलो, बस 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 बस, नहीं 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 नहीं, शी इज वेरी एक्साइटेड। लैब्राडोर में भैया तीन कलर है, चॉकलेट, ब्लैक और गोल्डन, और तीनों को ही हम केसीआई में ले जा सकते हैं शो में, और तीनों रजिस्टर्ड हैं भाई। भैया सबका अलग अलग चक्कर है, मेरा तो भाई सारा कैनल फीड पे है। मैं एग चिकन यूज़ नहीं करता और फीड डालता हूँ साथ में घर का। जैसे मौसम बदलता है तो चावल गर्मी में, सर्दी होती है तो रोटी साथ में ज़रूर रखता हूँ। मैं यही बात बोलूँगा भैया, लोग जो मेल मांगते हैं ना, तो मेल की थोड़ा मैं अगर आपको बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से बताऊं तो फीमेल परफेक्ट रहती है, क्योंकि फीमेल में कोई भी दिक्कत नहीं आती और मेल के अकॉर्डिंग फीमेल ज़्यादा गार्ड होती है। आप कभी भी फीमेल और एक मेल को रख के देख सकते हैं, मेल के साथ बहुत प्रॉब्लम आती है जैसे वो स्टड होता है, ठीक है, और फीमेल के साथ आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, और गार्ड पर्पज़ के लिए बेस्ट है भाई फीमेल। तो गाइस अभी इसको फिलहाल ये ज़्यादा शरारती है। अरे अरे कितनी खुश हो रही है। इसका कितनी एज होगी इसकी भाई? ये हो गया 3.5 साल। 3.5 साल की। अरे वाह। हेलो, अगर मैं बात करूँ ना, इसका सेकंड लीटर है अभी, ठीक है। अच्छा। लोग ब्रीडिंग के पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं, हर हीट पे डॉग को क्रॉस करा लेते हैं, और ये 3.5 साल में इसका सेकंड लीटर है भाई अभी हुआ। हेलो, बड़ी प्यारी है। और इसकी ना एक बार बताऊँ, दिखाई से बहुत फिट है, ट्रस्ट मी। इसको मतलब आफ्टर डिलीवरी बहुत कमजोर हो जाती है फीमेल। बात बोलूँगा, पहले यूट्यूबर बताया करते थे कि अपनी गाड़ी उठाओ और कैनल में विजिट करो, वहाँ से बच्चे उठाओ। मैं बोलता हूँ आपको विश्वास करने, एक प्रोफेशनल ब्रीडर से बच्चा लो जो स्पेशल उसी ब्रीड में काम करता है। आप लोग वहाँ जाते हो जहाँ सारी ब्रीड मिक्स होती है, वो इधर उधर से बच्चे देते हैं भाई, इसलिए रिक्वेस्ट है वहाँ से बच्चा लो, जहाँ से मतलब कि, क्योंकि लॉन्ग टाइम रहना बच्चा आपके पास, ये तो बात है। चलो जी, अब बारी है पपीज दिखाने की। अभी बारी है आपको जो है तीन अलग अलग कलर के बहुत प्यारे से लैब्राडोर पपीज दिखाने की। तो ज्यादा समय लेते चलिए कैमरे को टर्न करते हैं। अरे वाह, कितनी एज है इनकी? अभी तो भाई ये 20 डेज के हैं। अरे मतलब ये अभी ओपन फॉर बुकिंग है, राइट? जी जी जी, मैं पकड़ लूं ब्लैक वाले, आपकी वीडियो से शुरुआत करेंगे ओपन। अरे वाह गाइस, ये ट्रस्ट भी बहुत प्यारा है ये। हेलो, वाह, बहुत ज्यादा रिंकल। कितना वेट होगा इनका अभी पपी का? होगा भाई 2.5-3 किलो। और आप ना देखो, मैं बताता हूँ आपको, बच्चा जो अच्छे ब्लड लाइन का होगा ना, रिंकल वाला, शुरू से पता लग जाता है। अभी रिंकल आने शुरू हो गए ब्लैक पपी पे, देखो। और अभी 20 दिन का पपी होता है। ये तो बात है, पपी हैवी भी है। और सबसे मेन बात क्या है ना, फादर और मदर दोनों ही हेल्दी हैं। तो गाइस अभी ब्लैक के बाद जो है मैं उठाता हूँ व्हाइट कलर का पपी। ये क्रीम व्हाइट कलर है, राइट? कितने मेल फीमेल है इसमें? इसमें 7 मेल है और 2 फीमेल है भाई। वाओ यार, देख रहे हो, एक ना मतलब डॉग का रिजल्ट भी होता है, और नंबर ऑफ पपीज कितने प्यारे हैं। इसकी टेल देखना। हेलो, अरे प्यारा बेबी, कितना प्यारा। ये तो वो, ये तो यार सच में ऐसा लग रहा है कि अभी भैया ये नेचुरली मतलब मदर के मिल्क पे है। अभी थोड़ा फीड पे लगेंगे तो 45 दिन का बच्चा अपना बहुत ओवर हो जाता है, पिछली बार देखा भी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी बारी है एक वो कलर दिखाने की जो बहुत ज्यादा रेयर है,
मार्केट के अंदर लोग बहुत ज्यादा इसको पसंद जरूर करते होंगे क्योंकि चॉकलेट कलर एक बहुत, और चॉकलेट के साथ ना हल्की हल्की सी ग्रे इनकी आईज होती है। जी, जी, जी। इसकी टेल देखना। मेरे पास भैया जो कलर मिलता है ना चॉकलेट, वो प्रॉपर चॉकलेट होता है। और ये बच्चा CBI में बुक है, महाराष्ट्र मुंबई। अरे वाह, देख रहे हो कितना प्यारा है, कितना प्यारा बेबी है, कितना प्यारा, कितना प्यारा। देखो यार, डॉग्स डॉग्स होते हैं, चाहे वो स्ट्रीट डॉग हो चाहे वो ब्रीड डॉग हो। मेरे ना पपी से हमेशा वैसे ही अफेक्शन रहती है, जैसे आपने मेरी और NGOs की वीडियो में मैं स्ट्रीट डॉग्स को उठाता हूँ और ऐसे, तो मेरे को तो मतलब उनके फेस से ही प्यार है, उनकी पूरी नेचर से ही प्यार है। बट अगर आपको लगता है कि आप कोई स्ट्रीट डॉग अडॉप्ट कर सकते हैं तो वो भी करें, और अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये ब्रीड सूटेबल है तो आप ये ब्रीड भी लें। डॉग लव और एनिमल लव स्प्रेड करना ज़्यादा ज़रूरी है, ब्रीड और नॉन ब्रीड की लड़ाई में पड़ना इग्नोर ही करें। सो गाइस, एक चीज़ और भैया का भी मुझे बता रहे थे कि आपके जो पपीज़ हैं वो आर्मी तक में भी सिलेक्शन में जाते हैं फोर्सेस में। मेरे पास भाई स्टॉक ही नहीं होता, और मेरे 2-3 साल से पपी, 3 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया आर्मी को पपी देते। वाओ, डिफेंस फोर्सेस को अगर आप पपी देते हो तो गाइस यू हैव टू मेंटेन अ क्वालिटी, यू हैव टू मेंटेन एक प्रॉपर एक डेकोरम मेंटेन करके रखना पड़ता है, तभी आपके पपीज़ जो हैं वो सिलेक्ट होते हैं और वो आगे डिफेंस फोर्सेस के अंदर जो है सर्व करते हैं। बारी है भैया से इजाज़त लेने की। थैंक यू सो मच भैया। और सबसे पहले मेन एक चीज हमारे को और बताएं कि अगर इन पपीज की किसी ने बुकिंग करवानी है तो आपको कैसे कांटेक्ट करें? तो भैया बुकिंग का अपना ऐसा रहता है कि हम टोकन मनी लेते हैं और एक बच्चा, टोकन एक सेट रखते हैं ना, बच्चा बुक कर लेते ये हैं। देखना ये मेरे साथ ऐसे खेल रहा है, और अपने पास भैया जल्दी ही बच्चे बुक हो जाते हैं पॉइंट। हाँ, क्योंकि लिमिटेड ऐसा ना भैया की ना, एक सबसे अच्छी बात क्या लगती है ना कि ये एक टाइम पे 10-10 फीमेल्स का ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक टाइम पे एक ही फीमेल का लीटर है, साल में एक बार उसको फिर अच्छे से तैयार करते हैं पपीज को, फिर एक एक अच्छी फैमिली को देते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, गाइडेंस। अगर आप पपी अच्छी जगह से लेते हो तो आपको गाइडेंस मिलेगी, जो आप कहीं पैसे दे के डॉक्टर्स के पास जाके वो करेंगे वो आपको गाइडेंस यहीं से मिल जाएगी, क्योंकि एक्सपीरियंस है। हाँ, ये देखना भैया, ये मेरे जो स्टड थे वो स्टड सर्विस के लिए ओपन है, ठीक है। मेरे पास महाराष्ट्र राजस्थान से मीटिंग आती है और आप भी आएंगी, ठीक है। और पपी का रिजल्ट मैं दिखाता रहता हूँ और इंस्टाग्राम पे आप डालते रहते हैं सारी चीजें, लेकिन मेरा इंग्लिश लैब्राडोर में ही काम है भैया, और मेरे को दूसरी ब्रीड के लिए कॉल मत कीजिएगा। तो एक चीज और, ये जो भैया ने बड़ी अच्छी बात बोली, तो जितने आपने मेल डॉग्स देखे, अगर आपके पास कोई प्यारी फीमेल है और आप कभी साल में आगे आपको भी प्लान करते हैं उनके पपीज के लिए, सो यू कैन कॉन्टेक्ट हिम एज वेल। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग में, और भैया का लिंक सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लेना।